जबलपुर में टोयोटा हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर कार लॉन्च। आज दिनांक जबलपुर में टोयोटा की हाइब्रिड एसयूवी क्रूजर इलेक्ट्रिक एवं पेट्रोल कार लॉन्च हुई। आपको बता दें, अत्याधुनिक फीचर्स ले टोयोटा की बहुप्रतीक्षित हाइब्रिड एसयूवी कार कटंगी रोड कारमेता स्थित टोयोटा के शोरूम पर अनावरण किया गया। लॉन्चिंग के दौरान शैलेंद्र जैन, टोयोटा फाइनेंस रीजनल हेड पारस मल्होत्रा, आकाश पांडे और बीजेपी के पार्षद कमलेश अग्रवाल उपस्थित थे। टोयोटा शोरूम के जीएम सतीश मिश्रा ने बताया, अर्बन क्रूजर हाई राइडर सेगमेंट में पहला और कई खासियत से युक्त होगा। इसमें चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर 10 शामिल हैं, जो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन कुशलता प्रदान करता है। हाई राइडर 2 पावर ट्रेन में उपलब्ध है। न्यू ड्राइव और सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, जो कि अपनी श्रेणी में 2.79 किलोमीटर प्रति लीटर की सर्वश्रेष्ठ ईंधन कुशलता मुहैया कराता है। कि सिलेक्ट मोटर्स में टोयोटा की बिल्कुल नई अर्बन क्रूजर हाई राइडर की आज हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की भी बात है और अत्यंत प्रसन्नता की बात है। आज इस प्रोडक्ट को शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि आकर इस प्रोडक्ट को देखें और फील करें कि टोयोटा क्या टेक्नोलॉजी देती है। यह गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक और पेट्रोल इंजन दोनों का मिश्रण है, जिसमें 60-40 के रेशो में, मतलब 60% टाइम ये गाड़ी बैटरी पे और 40% रनिंग जो है वो बैटरी पे। तो इसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो सेल्फ चार्जिंग है, तो किसी भी तरह का सुरक्षा का कोई डर नहीं है। नॉर्मली जिनमें डीसी और एसी करंट को लेके चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है सुरक्षा को लेके किसी चीज़ की चिंता हो कस्टमर को। इस गाड़ी में कोई प्लग इन नहीं है, तो ये गाड़ी चलते चलते स्वतः चार्ज होती है और पूरी तरह से सुरक्षित है। 27.9 किलोमीटर, 27.9 किलोमीटर का इस गाड़ी का माइलेज है और ये दो पावर ट्रेन में उपलब्ध है, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर हाइब्रिड। और शहरवासियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि एक बार इस गाड़ी को देखें, इस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लें और टोयोटा की टेक्नोलॉजी को फील करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।